Hi friends, welcome back. Indian Army enjoying snowfall in Lal Chowk, Srinagar Smart City. अरे वाह, चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं. वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें. अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर, शुरू करते हैं. यहाँ तो गर्मियां शुरू हो गई हैं, दिल्ली में मेरे ख्याल से गर्मियां शुरू हो गई हैं, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि भैया श्रीनगर में तो अभी स्नो है, वहाँ अच्छी ठंड मजेदार होगा, है ना. चलो शुरू करें. मेरे बॉय के चैनल पे 5 मिलियन लाइक. अरे वाह, गिर रही है अभी. सो हे गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग. तो गाइस कैसे हो सभी? मैं भी मिस कर रही हूं सुनो. तो गाइस आज मैं आप सब लोगों के लिए एक बहुत ही जबरदस्त वीडियो लेके आया हूं. आपको पता ही है, इससे पहले मैंने श्रीनगर में आपको दिखाया कि स्नोफॉल हुई है या हो रही है, लेकिन आपको भी पता है मैं किस चीज का इंतजार कर रहा था कि जब ढेर सारी बर्फ सड़कों पर जमा हुई होती है ना, उस टाइम अलग ही सीन होता है, हर तरफ से जैसे कि सफेद चादर फैली हुई होती है. तो इसी चीज का मैं इंतजार कर रहा था, श्रीनगर में ढेर सारी बर्फ हुई है, वही वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा. बहुत ज्यादा मजा आने वाला. तो आज के वीडियो में पापा ने सेंड किया, लेकिन वीडियो देखने से पहले सबसे पहले मैं नाम लेना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है. तो पहला नाम है इमोर्टल गेमर, वो तो मुझे हमेशा सुपर थैंक्स भेजते रहते हैं, उन्होंने मुझे 80 रुपीज का सुपर थैंक्स भेजा है. दूसरा नाम है निश एम, ऐसा उनका नाम है यूट्यूब पर, उन्होंने मुझे 200 रुपीज का सुपर थैंक्स भेजा है. उनका मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इतना प्यार सपोर्ट करने के लिए. तो अगर आप भी मुझे सुपर थैंक्स भेज सकते हो मेरे वीडियो के घर के बाहर इंसान अलग दुनिया में आ चुका होता है, जादुई दुनिया में. वैसे हर फैली हुई होती है, खासकर पेड़ों पे देखे बहुत ही मस्त लगता है, रोड से भी स्नो है, तो हर तरफ से व्हाइट अलग ही सीन है. और कश्मीर के घर ऐसे होते हैं, उनके छत पे ना टीन लगा हुआ था ताकि बर्फ ना टिके छत पे, तो ऐसा होता है कश्मीर के घर ज्यादातर ऐसे होते हैं. बाकी थोड़ी बहुत आपको अपडेट दे दूं, जम्मू कश्मीर का हाईवे भी बंद होगा क्योंकि वहां पे ज्यादा स्नो होती है ना, तो जिसको भी कश्मीर के लिए आना होगा ना वो पहले न्यूज ये सब देखे उसके बाद ट्रैवल करिए, ठीक है, क्योंकि अभी बहुत ही रिस्की है, स्लिप ऐसा भी होती है. बाकी अभी ज्यादातर बर्फ नहीं टिकेगी क्योंकि चिले कलान खत्म हो चुके. और कश्मीर में जैसे वाजवान फेमस है, वाजवान का नाम आपने सुना होगा, वैसे ही विंटर्स के टाइम पे यहाँ पे हरीसा फेमस है, ठीक है. हरीसा मिलता है खाली विंटर्स के टाइम पे, समर्स में ये अवेलेबल नहीं होता है, तो बहुत सारे लोग आते हैं हरीसा ये सब खाने के लिए. तो ये देखिए कुछ ऐसा होता है हिरसा, बहुत सारे लोग वहां पे भी खाते हैं, बहुत सारे लोग घर भी पैक करके ले जाते हैं. तो गरम गरम हिरसा खाने में ना भाई विंटर्स के टाइम पे अलग ही सीन है भाई, खासकर जब स्नो ये सब गिरी होती है. इसके साथ ना रोटी खाते, जो कि नॉर्मल रोटी मिलती है ना, इसी के साथ खाते, इसको कबाब सब ऊपर से भी डालते हैं. और जब ये लास्ट में इसके ऊपर वो तेल डालते हैं ना, उससे ना वो फायर निकलती है, ठीक है. तो ये देखिए अब ये इसके ऊपर डालेगा. तो हरीसा ना कश्मीर में बहुत ही फेमस है, जैसे कि वाजवान आपने नाम सुना ही होगा, वैसे ही हरीसा विंटर्स के टाइम पे कश्मीर में बहुत ही फेमस है. तो मेरी सजेशन है जब भी विंटर्स में कश्मीर आए एक बार हरीसा जरूर ट्राई करना, क्योंकि बहुत ही टेस्ट होता है इसमें. और विंटर्स में ही मजा होता है इसको खाने में, समर में ये वैसे मिलता भी नहीं है. सड़कें खाली खाली से, ज्यादा गाड़ियां नहीं चलती है, जो भी चलती है ना धीरे धीरे से चलती है, क्योंकि स्लिप होने का बहुत ज्यादा खतरा होता है विंटर्स में. गाड़ी में भी रिस्क है, बाइक का तो पूछो ही मत, आपको मजबूर होता है वो बाइक लेके आता है भाई, गाड़ी में भी बहुत ज्यादा मुश्किल है. और लोकल गाड़ियां ये सब वो भी बहुत ही कम चलती है जब स्नोफॉल हो रही होती है, फिर जब स्नोफॉल रुकती है तो उसके बाद चलती है. तो जो भी गाड़ियां चलती है ना स्लो स्लो से चलती है ताकि उनको स्लिप ना हो, ठीक है. बाकी ये वाला सीन देखिए, हर छत के ऊपर स्नो है, काफी तेज हो रही है, सफेद हो रखा है भाई, अलग ही दुनिया है, अलग ही दुनिया. और ये देखिए बाइक पे निकले हुए, जो मजबूर होता है वो निकलता है, लेकिन रिस्क बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा. और ये वाली क्लिप जो है ना जहांगीर चौक से लेकर रामबाग तक जो फ्लाईओवर बनाया गया था, नया ही फ्लाईओवर है, उतना पुराना नहीं है, तो ये उसी की क्लिप है. तो इस फ्लाईओवर का ना दो रास्ते जाते हैं, एक तो राइट साइड से जाता है एयरपोर्ट की ओर, और लेफ्ट साइड से जाता है रामबाग की ओर, रामबाग नेटीपुरा ये सब की ओर. और इस फ्लाईओवर की वजह से बहुत ज्यादा टाइम बच जाता है जिनको एयरपोर्ट से पहुंचना पड़ता है, ठीक है. वरना यहाँ से बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक होता था, अभी ज्यादा ट्रैफिक नहीं होता भाई, स्नो के टाइम तो बिल्कुल नहीं होता है, देखो कोई गाड़ी नहीं चल रही है यहाँ से. तो इसी रोड पे आपको नजर आएगा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो कि मौसम में सब बताता है, तो ये इसी बरजुला के रास्ते में आता है. ये देखिए ये रहा यहाँ पे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो कि बरजुला में है, ये देखिए, ठीक है. बता दिया था उन्होंने स्नो आएगी,
तो ये वाला सीन तो मैंने आपको दिखाया, ये हर तरफ से बर्फ ही बर्फ है, चाहे वो छत हो कुछ भी हो। अगर आप बाई एयर आओगे ना कश्मीर स्नोफॉल के बाद, आप ऊपर से देखोगे बोलोगे भाई ये क्या है, सफेद चादर जैसी फैली हुई हर तरफ से। तो इसके बाद पापा गए अभी लाल चौक, गंडागर, श्रीनगर, सुमार्थी स्क्वायर, लाल चौक, कुछ भी बोलो भाई, यहाँ पे पापा और फैसल है, ये देखे फुल एंजॉय कर रहे स्नो में, वीडियो भी उठा रहे। तो पापा ने मेरे को आज भी वीडियो सेंड किया, उनका आज भी थैंक यू। तो ये देखिए फुल एंजॉय करते हैं, चाहे वो लोकल्स हो टूरिस्ट हो, टूरिस्ट ये सब देखिए मीडिया वाले अभी घंटाघर के पास टूरिस्टों से उनका एक्सपीरियंस बताते हैं कि यहाँ पे अभी स्नोफॉल हो रही है, कैसा लग रहा है आपको। और टूरिस्ट भी बता रहे हैं हम गुलमर्ग ये सब गए हुए थे, जैसे कि लोग जाते थे ना गुलमर्ग ये सब के लिए, सुनो ये सब देखने के लिए। अभी ना श्रीनगर स्मार्ट सिटी जब से बनी हुई है, तब श्रीनगर में भी बहुत ही ज्यादा टूरिस्टों की भीड़ होती है। यहाँ पे अलग ही मजा होता है भाई, सिटी के बीच में आप जब सुनो देखते हो ना, लाइटनिंग ये सब होती है, खासकर शाम के टाइम अलग ही सीन होता है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे कितने सारे मीडिया वाले आए हुए खाली बर्फ की वजह से, खाली मीडिया नहीं, टूरिस्ट जो लोकल्स हो, सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत सारे यहाँ पे, ये देखिए हर किसी टूरिस्ट को यहाँ पे इंटरव्यू मांग रहे हैं। इन लोगों को ठंडी लगी, जैकेट जुकेट खोल के बैठे हुए हैं, कई उन्हें बहुत कम जैकेट पहना है। हम लोग तो काफी कोलोराडो में बड़े हैं। जब घंटाघर के पास ज्यादा भीड़ होती है ना, तो इंडियन आर्मी ये सभी आती है, लोकल पुलिस भी आती है फॉर सिक्योरिटी रीजन, बाकी फुल सेफ है, आप आ सकते हो। तो ये देखिए लाल चौक का मार्केट जो कि मेन मार्केट है श्रीनगर का, तो यहाँ पे भीड़ चेक करिए भाई साहब, मैंने आपको बोला ना गुलमर्ग में पहले भीड़ होती थी, अभी श्रीनगर में होती है। और बिल्कुल घंटाघर के सामने यहाँ पे स्कूल बस में हमारे जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है उनका पोस्टर लगाया गया, ये देखिए स्कूल बस में, और यहाँ पे लिखा है परीक्षा पे चर्चा 2024। तो अगर किसी को इसके बारे में पता होगा वो कमेंट सेक्शन में बोल देना, यहाँ पे उनका बोर्ड लगा गया है। और ये देखिए ये रहा फैसल जो कि फुल एंजॉय करता है अभी स्नो में, भाई बच्चे ही एंजॉय करते हैं स्नो में, मैं तो बचपन में बहुत ही ज्यादा एंजॉय करता था, हाँ डांट भी पड़ती थी घर वालों से, लेकिन हम ना खूब एंजॉय करते थे स्नोफॉल में। और ये देखिए ये राज्य अपना घंटा घर, ठीक है, और यहाँ पे देखिए कितनी सारी सिक्योरिटी फोर्सेस है, चाहे वो लोकल पुलिस हो, इंडियन आर्मी हो, कुछ भी हो ना, वो भी अभी एंजॉय कर रहे हैं इसमें। और ये देखिए कितने सारे मीडिया वाले यहाँ पे इंटरव्यू सब ले रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे ना भाई समर के टाइम पे अलग ही सीन होता है, अभी जब यहाँ पे स्नो हो रही है भाई अलग ही सीन है, यहाँ पे शाम को लाइटिंग ये सब होगी। और ये देखिए ये रही इंडियन आर्मी, फैसु इनके साथ बात करना चाहता है इनको देखे भाई हैंग हो जाता है, देखते रहता है इनको, ये देखे और भीड़ चक्कर है कितनी ज्यादा कितनी ज्यादा यहाँ से भाई पब्लिक ना यहाँ पे बहुत ही ज्यादा है, और बहुत सारी सिक्योरिटी फोर्सेस भी है यहाँ पे, वो भी एंजॉय कर रहे हैं, फोटो ये सब खींच रहे हैं, आप देख सकते हो। ये है लोकल पुलिस, जे एंड के लोकल पुलिस, ये देखिए फैसु के साथ खेल रहे हैं, फैसु बोलता है मेरे को बड़ा होके पुलिस ऑफिसर ही बनना है, तो इनको देख के ना बहुत ज्यादा खुश होते हैं ये देखिए। तो जैसे कि मैंने आपको बोला यहाँ पे बहुत ज्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस होते हैं, ठीक है, और ये देखिए इंडियन आर्मी, उनके लिए ये बर्फ कुछ भी नहीं है, वो जो बॉर्डर एरिया है ना किरण वैली हुआ ये सब हुआ, वहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फ होती है, तो उनके सामने ये बर्फ कुछ भी नहीं है इंडियन आर्मी के सामने, और लोकल पुलिस भी यहाँ पे। और अब फैसल कुछ बोलने वाला है, ये सुनिए आप पहले। देखा नहीं है कैप गॉगल्स का स्टाइल है आजकल के बच्चे, देखो। तो फैसु क्या करता है ना घर पे पापा का फोन लेता है, ऐसी वीडियोस बनाता है, बोलता है कि मेरे को भाई की तरह वीडियो सब बनाने हैं, उस पर भी बोलता है सब्सक्राइब करो शेयर करो, मतलब कॉपी करता है मेरी, जैसे कि मैं बोलता हूँ बहुत सारे लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वैसे अभी भी फैसु बोल रहा है कि आप सब लोग मेरे भाई को सपोर्ट नहीं करो ये सब। तो फैसु को पीछे बाइक लाओ, ठीक है, कौन सी बाइक, वो इलेक्ट्रिक बाइक होती है ना जो बैटरी पे चलती है वही बाइक, मैंने बोला भाई 1 मिलियन हो जाएंगे ना उसके बाद आपके लिए पक्का बाइक आ जाएगी। फैसु को लगता है 1 मिलियन बहुत ही कम होते भाई, अभी तो मेरे 20,000 सब्सक्राइबर्स भी नहीं होते, 1 मिलियन की तो बात ही छोड़ो, व्यूज भी नहीं आ रहे मुझे। तो ये देखिए यार यहाँ पे लाल चौका को पता ही है, इसके सामने था फाउंटेन, पता नहीं फाउंटेन को क्या कर दिया गया, वो मैं आपको घर जाकर देख देता हूँ। टूट भी गया वो ऊपर का, कुछ गिर गया। कौन सा फाउंटेन की बात कर रहे हैं, फाउंटेन को क्या हो गया, कहाँ है फाउंटेन, पहले होता होगा
लाल चौक में सी छोटा हो गया। हाँ मैं वो बोला था सी का छोटा लग रहा है। अगर आपने सपोर्ट किए मेरे बॉय के चैनल पे 5 मिलियन लाइक पूरा होना चाहिए लाइक। पैसों बोल रहे 5 मिलियन लाइक। अरे भाई साहब अगर ऐसा होता ना मैं अभी पता नहीं कहाँ पे होता। तो अभी देखे पैसों जा रहे जो यहाँ पे ये लोग अच्छा कॉफी भी इनका कोक भी रहते हैं ठंड में चाय या कॉफी। इंडियन आर्मी ये सब देखता है ना तो हाई ये सब करता है हैंडशेक करता रहता है। और टूरिस्ट देखे सब टूरिस्ट जब यहाँ पे फोटो खींच रहे हैं तो ये देखे पैसों ना अभी इंडियन आर्मी को देख रहा है फोटो खींचने के लिए। पर स्नो में कपड़े मुझे तो कम ही लग रहे नहीं सब पता नहीं आदत इतने साल हो गए चार तीन चार साल हो गए स्नो को देखे हुए। ये देखो कितने प्यारे ऐसे होते हैं फोटो भी ले रहे हैं वाह ये भी मजे कर रहे हैं इंडियन आर्मी और लोकल पुलिस सब भी एंजॉय कर रहे हैं स्नो को देखे उसको भी बुला रहे हैं। ये देखो क्या कमाल है अरे वाह बड़ा ही प्यारा वीडियो था यार। देख लो वही है ना कि आर्मी जो अब है क्योंकि अब सिचुएशन सारी अच्छी हो गई है तो अब वो भी हंसना खेलना लाइटली लोगों से मिलना बच्चों के साथ इतना करना ताकि बच्चे भी देख के खुश होएं और वो कहें कि भैया हमने भी आर्मी में जाना। वो कह तो रहा था कि मैंने भी इन्हीं की तरह बनना है तो बहुत ही अच्छा ये स्टेप किया है हमारी आर्मी वाली जगह में बहुत मजा आता है बहुत अच्छा लगा ठंडी ठंडा ठंडी रहते हैं और बहुत ही मतलब हम जा रहे थे वो और ऊंचा था ये कश्मीर वैली अबाउट 5000 फीट के करीब है हम लोग 6500 से 7000 फीट पे थे। और यहाँ पे जैसे ट्रैफिक रुक गया था हमारे वहाँ पे ट्रैफिक नहीं रुकता था स्नो आ रही होती थी मगर खचा सारे लोग चलते रहते थे तो हैरान होते थे पता नहीं पूरी रोड में ट्रैफिक जैम और भरी उड़ जी। मुझे तो स्नो फोबिया है स्नो फोबिया में एक चलना और स्नो फोबिया है गाड़ी चलाना मैं तो पूरी स्किड हुई हुई है एक बारी कई बार नहीं तो बहुत बुरी तरह स्किड हुई हुई है किसी दिन कहानी पूरी बताऊं। कई बार ऐसी जगह होती है जहाँ पे आप स्किड होके सीधा धड़ धड़ आपकी गाड़ियां लगती है। मेरा तो यूं यूं लोट पोट फिर जाके पता नहीं कहाँ पे रुकी अपने आप ही रुकी नहीं रही थी। उसमें ये होता है कि जो भी चला रहा है इस एरियाज में अगर आपके टायर्स अच्छे हैं नहीं और साथ में थोड़ा ध्यान से भी चलाना जबकि मैं बहुत धीरे चला रही थी पर बहुत ही उस टाइम बहुत ब्लिजर्ड सा आने लग गया था वो तो पूरी बहुत बुरी हालत थी। पर ठंडा मौसम अच्छा मौसम जो जाना अगर जाना है तो स्नोफॉल के टाइम जाओ और देख लो श्रीनगर अपना जो है कितना बदल गया कितने लोग खुश होके कैसे मजे ले रहे हैं वहां पे। चलो यार अभिषेक अगर ना अपने थॉट्स चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।